8 दिसंबर को किसानों के प्रस्तावित भारत बंद का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है। साथ ही सपा प्रमुख ने यह भी ऐलान किया था कि कन्नौज में ट्रैक्टर चलाकर किसानों का समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद से ही लखनऊ में सपा कार्यालय और आवास को पुलिस प्रशासन ने छावनी में बदल दिया। सपा नेताओं की किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रविवार की देर रात से ही पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास और कार्यालय के बाहर बांस बल्ली और बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। अखिलेश यादव अपने आवास या फिर कार्यालय से बाहर न निकल सके, इसके लिए बैरिकेडिंग लगाकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यहां किसी भी सपाई नेता के प्रवेश पर पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पुलिस की तमाम तरह की सख्ती और बंदिशें के बाद भी सपा नेताओं का पार्टी कार्यालय में आना बदस्तूर जारी रहा। सपा नेताओं की आवाजाही के बीच पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए कई सपा नेताओं को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। सपा नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान सपाइयों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। सपा नेता राजपाल कश्यप का आरोप है कि योगी सरकार में सपा नेताओं, विधायकों और उनके प्रमुख अखिलेश यादव के साथ अन्याय किया जा रहा है। सपा नेता का दावा है कि योगी सरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव से घबरा गई है। हम विधायकों के साथ में किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जिस तरीके का अन्याय किया जा रहा है, ये निंदनीय है। योगी सरकार घबरा गई है माननीय अखिलेश यादव से, और इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में अन्याय कर रही है। मनोज कुमार, जनमत न्यूज, लखनऊ।